गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास का लेसन 9 करेंगे जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई। संगमरमर होता है एक पत्थर। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन मतलब बुरी आदत व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, अभिरुचि पसंद, फूल पौधे रकाबियों से ओजों से में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियाँ मतलब कटोरियाँ। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद मतलब गोल तकिया होता है ना, मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते, निहारना देखना। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, तृप्ति मतलब खुशी शांति। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखी हुई फरसी हुक्के की स्टक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या मतलब शाम को सौपन की भांति गुजार देते हैं। सौपन सपना। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे, मसनद गोल तकिया सिराना। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया आकर बैठ जाती है मतलब। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह मतलब काले थे। उनका नन्ना सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी पर मतलब पंख, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। उसकी स्वच्छता मतलब स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो मतलब बेझिझक होकर। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। आओ आओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ, बोध मतलब लगा, कि यह उससे गलती तो नहीं हुई। फिर वह यहाँ बैठ गई।
उसका थिरकना रुक गया। भयभीत मतलब भयभीत होना, डरना। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब खुशी से प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचाता नहीं, तुम्हें देखकर मेरी रागनिया का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई, सांझ मतलब शाम, और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसा बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही खुश से रहो, यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ मतलब उड़ने के लिए पर पंख खोलने, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, बाट देखना मतलब इंतज़ार करना, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, मामा ने आदर के योग्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माल माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ मतलब अनजान ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत की तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे
बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। चित्त मतलब मन। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसी अनगिनत फूल मेरे बगीचों में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए क्या तेरे लिए खिला करेंगी। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ क्या है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं। तू अपने को क्या अपने को नहीं देखती कि कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसे रंगीन दे शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तने मेरे चित को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी है, मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आए। यह सब देख क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते सेठ को दास को सेठ ने इशारा कर दिया, वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, मतलब प्रकाश है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, मतलब डर मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकना मतलब रोना। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर उसे ठाड़स बंधा और जब तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। इनके लेखक है जगेंद्र कुमार जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।